हमारे चैनल उदय जयदीप को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। आज हम इसका पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप क्या है? मिश्रित कोडिंग। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन बहुत ही सरल रहते हैं, लेकिन बच्चे इसमें अक्सर गलती कर देते हैं। इसमें होता क्या है, एक साइड की सांकेतिक भाषा में कुछ कोड दिए रहते हैं, इनका कुछ आशय होता है, दूसरी साइड इनका कुछ अर्थ होता है, उनमें से किसी एक शब्द का अर्थ हमसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ऐसे सवालों को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, एक निश्चित कूट भाषा में जा ला नो पे का अर्थ है नॉट एन इवन कंटेस्ट, की पे ऐसा ही ला का अर्थ है नॉट इवन ए ब्रूस, और जे बा जा फो का अर्थ है एन ऑनर फॉर मी, तब नो का अर्थ क्या है। देखिए सबसे पहले इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, इसमें जो दिया उसको हम कोड करेंगे। कोड कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस साइड हम लिख लेंगे जो भी दिया होगा। क्या दिया है, जा ला नो पे, इसका अर्थ क्या दिया वो हम इस साइड लिख लेंगे, नॉट एन इवन कंटेस्ट, ठीक है। अब सेकंड क्या दिया, सेकंड यहाँ पे पी एस आई ले का अर्थ क्या दिया, नॉट इवन अ ब्रूस। देखिए यहाँ ध्यान से लिखिए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया, अर्थ क्या दिया, एन ऑनर फॉर मी। देखिए ये तो हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया था हमने उसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जो कॉमन होगा उसको मार्क करते जाएंगे। और इस क्वेश्चन हमको क्या पूछा, नो का अर्थ पूछा है। तो नो का अर्थ देखिए, नो का अर्थ पूछा है, सबसे पहले हम इसमें मार्क करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए जा है, और इस लाइन में नीचे वाली लाइन में देखेंगे जा कौन से में, लास्ट वाले में, तो इसको हम मार्क कर देंगे जा। अब जो दोनों में जो कॉमन होता है उस उन्हीं दोनों लाइनों में इस साइड देखते हैं, इन दोनों में क्या है कॉमन, देखिए यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, तो हम सेम सेम मार्क से इनको कोड कर देंगे ताकि हमको फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया, ला, नीचे वाली लाइन में देखेंगे ला कौन से में, यहाँ पे है, यहाँ पे तीनों में होता है, हम तीनों में देखते हैं। अब दोनों में यहाँ पे तो दोनों में एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देखिए, देखिए नॉट भी आ रहा है यहाँ पे कॉमन, इवन भी आ रहा, कोई सा एक ले लेंगे हम, कोई सा भी एक ले ले रहा है, नॉट ले ले रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक यहाँ पे कॉमन लिया तो एक ही यहाँ पे कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्या दिया, नो, नो यहाँ पे कहीं दिया दूसरी लाइन में, थर्ड नहीं दिया। अब पे देखिए, पे यहाँ पे दिया, यहाँ पे भी दिया, अब एक कॉमन इसमें ले लेंगे, एक कॉमन इसमें क्या जाएगा, इवन आ गया हमारे पास। तो देखिए नो पूछा है और पहले और कॉमन देख ले रहा है, कोई है और नहीं है, तो नहीं है। अब क्या देखेंगे, नो का अर्थ क्या है, नो का अर्थ यहाँ पे देखिए, नो का अर्थ क्या दिया है, अब शेष कौन सा बच रहा है, यहाँ पर नो बच रहा है, यहाँ पर कंटेस्ट बच रहा है, तो नो का अर्थ क्या हो जाएगा, नो का अर्थ हो जाएगा हमारा कंटेस्ट हो जाएगा नो का अर्थ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेट जो सिम से आस है ईट गुड मैंगोज, पुस सिम टिम का आस है मैंगोज एंड स्वीट्स, टिम जो किट का आस है परचेस गुड स्वीट्स, तब बताइए गुड किस शब्द का अर्थ है। देखिए मैंने अभी बताया था आपको, हम सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको हम कोड कर लेंगे और इसके बाद हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम उसका आंसर इजीली इसमें फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा गुड किस शब्द का अर्थ है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो दिया उसको हम कोड कर ले रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया पेट जो देखिए यहाँ पे आप क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है गुड का, गुड किस शब्द का अर्थ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कोड करेंगे, कोड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए
PAT यहाँ पे दिया, नीचे कहीं दिया नहीं दिया, जो देखेंगे जो क्या दिया यहाँ पे दिया और यहाँ पे कहीं नहीं दिया यहाँ पे दिया। अब ये दोनों में यहाँ कॉमन है तो इस साइड भी इन दोनों लाइनों में कॉमन देखेंगे क्या है, इन दोनों लाइनों में कॉमन आ रहा है गुड, ठीक गुड आ गया कॉमन। अब देखिए सेम सेम यहाँ दिया और नीचे वाली लाइन में यहाँ दिया सेम यहाँ पे हो गया। अभी दोनों लाइनों में फिर से कॉमन देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैंगोज कॉमन हो रहा है, मैंगोज हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, अब किसी में कुछ कॉमन हो रहा है टिम टिम यहाँ है तो इसको हम ऐसा टिम। अब इन दोनों लाइनों में देखेंगे कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पे भी स्वीट्स आ रहा है यहाँ पे भी स्वीट्स आ रहा है। अब गुड का अर्थ पूछा है, गुड कहाँ पे दिया हमारा गुड, देखिए गुड यहाँ दिया और इन दोनों क्या हो रहा था यहाँ पे जो। तो देखिए सबसे पहले हम एक चीज़ देखते लेते हैं, यदि हमारा दोनों में कॉमन सेम हो रहा है, जैसे जो जो यहाँ पे कॉमन है इन दोनों लाइनों में और चीज़ कॉमन क्या है, देखिए सेम ये भी सर्कल से ये भी सर्कल से गुड, तो गुड का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, गुड का अर्थ हमारा जो हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है जोर का सी यू का अर्थ है ही लव्स वाइफ और एम ए है का अर्थ है ब्यूटीफुल वर्ड, जोर गा है का अर्थ है वाइफ इज़ ब्यूटीफुल। देखिए इसमें सबसे पहले हम फिर कोडिंग करेंगे, कोड कैसे करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं कॉमन क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जोर है नीचे वाली लाइन में देखेंगे यहाँ पे जोर है, जो दोनों लाइनों में यहाँ पे है तो इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे कॉमन वाइफ है यहाँ पे भी कॉमन वाइफ है। अब देखिए यहाँ पे का देखते हैं, का पे यहाँ है नहीं है, अब सी यू देखते हैं सी यू है नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या पूछा तो किस शब्द का अर्थ वाइफ है, किस शब्द का अर्थ है, दोनों में कॉमन यही मिल जा रहा है तो सबसे पहले हमारा आंसर यही हो जाएगा, जब कॉमन मिल ही जा रहा है तो वाइफ का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा जोर हो जाएगा। और देखिए इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या दिए, उपरोक्त प्रश्न के निर्देशानुसार ब्यूटीफुल किस शब्द का अर्थ है, ब्यूटीफुल यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल कहाँ दिया यहाँ पे दिया है यहाँ पे दिए ऊपर की लाइन में देखेंगे कहाँ पे दिया ब्यूटीफुल यहाँ पे दिए। अब ये दोनों में देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है कॉमन है तो यहाँ पे ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा अर्थ, ब्यूटीफुल का अर्थ क्या हो जाएगा है। इस तरीके से हम कोड करके आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक पेज की लिंक मिल जाएगी आपको, यहाँ पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है आज के लिए इतना ही, थैंक यू।